बिहार को बहुत बहुत उद्योग से लाभान्वित किया है, सब कार्यों को बढ़ा हुआ। आज क्या बेरोजगार किया, मैं आपके आपके साथ कर सकता हूँ कि जो इस ओर बिहार जा रही है, नौजवान आने वाले 6 सालों के बाद 3 सालों के बाद ये सुसाइड करना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और युवा हुंकार महारैला बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में होने जा रहा है। जो आज देश में 58% युवा नौजवानों की संख्या है और उस युवा नौजवानों को हर एक पार्टी, देश का कोई भी पार्टी हो, वो सभी पार्टी लोग ठगने का काम किया। उनका वोट चाहिए, उनका समय समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं लेबर मजदूर की तरह, बैंड बाजा और बारात की तरह, फिर उनको रोड पे छोड़ देते हैं। न उनको उनके रोजगार की समस्या से कोई लेना देना है और ना ही उनके एजुकेशन सिस्टम से लेना देना है। आज बिहार के संदर्भ में बताना चाहूंगा, जो 58% हमारे युवा भाई लोग हैं जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। और सभी पार्टी लोग, नेता प्रतिपक्ष हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, कोई भी उनके लिए चिंतन मंथन नहीं करते हैं और उनको हमेशा ठग रहे। युवाओं की जो मेन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो देखा जा रहा है, 3 साल का डिग्री 5 साल में दिया जा रहा है। आपको बता दें कि PhD हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे MPhil हो, चाहे सारी चीजें हो, उसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल का ये सभी विश्वविद्यालयों के ये हालात है। तो अब बिहार वही बिहार था जो कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये जो बिहार है, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, यहाँ पे लोग युवाओं को ठगा जा रहा है। अगर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और बिहार का डबल इंजन की सरकार अगर युवाओं के रोजी रोजगार के लिए नहीं सोचती, बिहार के युवाओं के वेलफेयर के लिए नहीं सोच रही है, तो बिहार के 58% युवा इन सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी और अपने हक और अधिकार के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए, खूबसूरत बिहार बनाने के लिए, रोजगार युक्त बिहार बनाने के लिए सभी युवा लोग मिलकर चलेंगे, जात धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके। क्योंकि आज जितने भी जात धर्म में लोग बटे हुए हैं, जाति की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, क्या उन जाति मजहब के बेटों को क्या खाना नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, उनके परिवार को भोजन नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। इसलिए हम युवा लोगों ने मन बनाया है, बिहार के 58% ने युवा लोग मन बनाया है कि इस बार हम लोग तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन ये जो सत्ता में बैठे हुए निकम्मी सरकार है उनका सरकार बदलने का हम लोग काम करेंगे। और जिस तरह से JP मूवमेंट हुआ था, आज JP में जनों से जनों को तोड़ा गया था, उसी तरह से हम लोग जनों को जनों तोड़ करके और एक सूत्र में बंद करके बिहार को बदलेंगे। जो बिहार में मेरा मांग करना है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया बिहार में निकले, एक निर्धारित समय मापदंड दिया जाए कि नन गजेटेड पूर्ण हो, उसको 6 महीना से साल भर के अंतराल में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ले। क्योंकि जो भी पटना में आके पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा पढ़ते हैं, उनके माँ बाप कितना कष्ट करके पटना में भेजते हैं, 3x4x5x के रूम में रहते हैं, 2000, 4000, 5000 रूम रेंट देना पड़ता है, बहुत कष्ट करके। आज ने बोला कि BBSC की परीक्षा में घोटाला है, पूरा जग जाहिर है, इसको जांच करवा ले। हम तो कहते हैं CBI जांच करवाए, सरकार का हर आज देखे, इसके 5 साल पहले आया था कि BPSC के इंटरव्यू में उसका मेंबर है जो मांग रहे, फोन का वीडियो वायरल हुआ, निगरानी बैठा, टीम बैठा, जांच नहीं हुआ, सब लीपापोती हुआ, सरकार के अंगरक्षक में हो रहा है ना। विपक्ष को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी अमलदार है सरकार में कहीं ना कहीं घोटाला किए हुए, उनको डर लगता है कि हम कुछ आवाज उठाएंगे तो हमको जेल हो जाएगा। हम लोग ना कोई सत्ता के दलाली करते हैं, ना हम लोग किसी युवा को मतलब अपने फेवर में इसलिए नहीं लाना चाहते कि हम लोग को नेता बनाए। आप भी आवाज उठा रहे हो, सकता है आपको भी जेल हो जाए। आपकी तो हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले, संघर्ष के रास्ते चुनने वाले। एक तकनीकी प्रश्न है, 58% जो